यहां केरल से आया हुआ भी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं केरल का उल्लेख सविशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज केरल का नव वर्ष है। मलयाली, सहोदरक, एंटे हृदयम, निरन्या, नव वलसरा, आशम सफल, नमस्कारम। हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। और इसलिए बहुत सारे बाकी रहे अच्छे काम करने का मुझे भाग्य मिला। और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले कभी मैं इस धरती पर, इस भूभाग पर नहीं आया, और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए, तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन अबू धाबी में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मक्तूम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई,
इतने प्यार की वर्षा की, इतने प्यार की वर्षा की मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी पांचों भाइयों के साथ एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए, देशवासियों, ये प्यार, ये सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय, जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं उन्हें पता है ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। उनका अभिनंदन कीजिए।
उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत अबुधाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ है। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प दिया। साढ़े चार लाख करोड़ रुपया कितना 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 अगर आप पर किसी का भरोसा ना हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा है। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है, मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं,
समझने वाले समझ जाएंगे।